हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी शिक्षण हेतु अधिगम के पेपर में 21वें विषय आधारित अधिगम का आकलन में आकलन प्रविधियों को पढ़ रहे थे। और आज आकलन प्रविधियों की एक और प्रविधि है जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार उसका अर्थ कर चुके हैं और आज है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर लघु रूप में होते हैं। ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, इनके उत्तर छोटे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। इसमें समय की बचत होती है और विद्यार्थी इसको अधिक से अधिक क्षेत्रों में उत्तर दे सकते हैं। यानी सामान्य अर्थों में हम इसको समझे तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिनके उत्तर लघु होते हैं यानी छोटे होते हैं। यह मुक्त उत्तरात्मक होते हैं यानी यह इनके उत्तर स्वतंत्र रूप में होते हैं। इनके उत्तर छोटे होने होते हैं तथा छोटे होने के साथ इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं निश्चित मिलते हैं और निश्चित होते हैं तथा इसमें समय की बचत होती है और विद्यार्थी जब इनको करते हैं तो अधिक से अधिक क्षेत्रों में उत्तर दे सकते हैं, इसलिए इनको लघु उत्तर कहा जाता है। जैसे उदाहरण देके हम लघु उत्तर एक प्रश्न देके शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। जैसे प्रश्न है शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। इसमें विद्यार्थी को अगर प्रश्न पूछा है कि शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए, तो यानी जो शैक्षिक तकनीकी की जो परिभाषा है केवल शॉर्ट एंड छोटे रूप में परिभाषा के रूप में लिखना और खुद के शब्दों में लिखना है। इसी तरीके से जैसे दूसरा प्रश्न अगर दिया जाए एक उत्तम अवलोकन के मुख्य तत्व लिखिए, यानी उत्तम अवलोकन के मुख्य तत्वों को लिखना, मेन जो है। इसी तरीके से अब जब लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के जो गुण है उनकी चर्चा करेंगे। अब अपने लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के गुण व इसकी सीमाएं, इसके गुण क्या क्या है, यानी जो लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है या अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि पाठ्यक्रम का अधिक भाग यानी पाठ्यक्रम का अधिक अंश इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है या प्रतिनिधित्व करते हैं। सही अर्थों में माने तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो पाठ्यक्रम का अधिकांश जो भाग है उनका प्रतिनिधित्व करती है। फिर है विश्वसनीयता अधिक होती है, यानी इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि उत्तर लगभग और निश्चित होते हैं। इनके जो उत्तर होते हैं प्रश्नों के वह अधिक निश्चित और लगभग उत्तर सीमा इनकी तय होती है। उसके बाद है इनका रचना सरल व स्वाभाविक होती है, यानी इनकी रचना जो है इनको बनाना सरल और स्वाभाविक होता है। फिर ये उत्तर लिखना बोझिल नहीं होता, यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल नहीं होता है क्योंकि इसमें अधिक लिखना नहीं पड़ता है। उसके बाद है अंकन में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, यानी जब इन प्रश्नों की जांच की जाती है उस समय इनको अंक देने में वस्तुनिष्ठता होती है और अंक देने में आसानी रहती है। फिर छात्रों की उपलब्धि की जांच अधिक व्यापकता से, यानी छात्रों की जो उपलब्धि की जो जांच है वो अधिक व्यापक रूप से हम कर सकते हैं।
क्योंकि यह प्रश्न उपलब्धि की जांच करने में अधिक सक्षम होते हैं। अब है इसकी सीमाएं, यानी इसकी सीमाएं क्या है। सबसे पहले मानसिक तर्क या विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता है, यानी इनके आंसर हमें एक निश्चित सीमा रेखा के अंदर देने होते हैं, इसलिए इसमें मानसिक तर्क और विचार शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाती है, यानी इसमें उत्तर देने की सीमा होती है, इसलिए विद्यार्थियों की जो भाषा शैली है वह उनका विस्तार नहीं हो पाता है या परिमार्जित नहीं हो पाती, यानी जितनी भाषा शैली उनकी परिमार्जित विस्तारित होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें उत्तर की शब्द सीमा तय कर दी जाती है। फिर यह पूर्ण रूप से वैध एवं विश्वसनीय नहीं है, यानी पूरी तरह से इसको वैध एवं विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। फिर है समस्यात्मक विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, यानी ये जो प्रश्न है वह समस्यात्मक जो मुद्दे है या समस्यात्मक जो विषय है उनके लिए उपयोगी नहीं कहे जा सकते या उपयोगी नहीं माना जा सकता है। उसके बाद है ये भी रटने के लिए बाध्य करते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी विद्यार्थियों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि उत्तर सीमा इनकी निश्चित होती है, तय होती है, यानी जैसे 50 से 100 शब्दों के अंदर इनको उत्तर देने होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता नहीं होती है कि वह निबंधात्मक रूप से इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, इसलिए वह रटने के लिए उन प्रश्नों का उत्तर रटने के लिए बाध्य रहते हैं। धन्यवाद।